आप अब लेके आते हम टिकवा भी लेते हैं, हम लेके आएंगे टिकवा देखा है इंस्टाग्राम की छपड़ी आज भी दिख गई है, उगाई हुई थी देखे उसको बना रही थी वही बॉकिंग वॉकिंग कर रही थी सब। 42 डिग्री सेल्सियस आप लोग समझ सकते हो कितना ज़्यादा गर्मी। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस, एंड आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तम के घर से। एंड गाइस ये रही सामने मेरे उत्तम, एंड ये रहा उसका बच्चा। गाइस पता नहीं क्या हो गया इसे ना, दो तीन दिन से काफ़ी ज़्यादा ना बीमार हो गया है। अभी मैं जस्ट आया इसे देखा, वैसे तो मैं यार रहता नहीं हूँ यहाँ पे, बट मैं आया और जब इसे देखा ना भाई लिटरली इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि भाई क्या हो गया इसे। फटाफट इसे अभी नहलाया वगैरह हूँ, देख सकते हो सामने पूरा पानी वगैरह से नहला दिया हूँ, फिर भी अभी खड़ा है यार, पूरा गिरा हुआ था और पूरा मुँह हाथ ऐसे किया हुआ था ना, इतना देख के अजीब लग रहा था। देखो आ रहा आ रहा, आ जा। पता है मैं भी जब व्लॉग करता हूँ ना तो ये ना मिस करता है आप लोगों को, एंड मुझे ना लिटरली बहुत ही ज़्यादा बैड फील हो रहा है कि यार इसका ये स्थिति कैसे हो गया। जब से मैंने इसे देख रेख करना बंद किया ना भाई, पता नहीं इसे क्या ही हो गया। मैं जब तक था ना इसे प्रॉपर रखे हुए था अच्छे ढंग से। पुरुषोत्तम हाय बोलो अपनी जनता को, हाय बोलो ओले मिला बाबू। कुछ नहीं होगा, हमें ना कुछ नहीं होगा, दो दिन में ना तुम्हें अच्छा कर देंगे, अब दो दिन में। गाइस इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं पहले। आ जाओ। कुछ नहीं होगा हमें ना। आ जाओ। लिटरली भाई इतना ज़्यादा देख रहे हो इसका फेस, देखो कैसा हो गया है, पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। कुछ नहीं होगा बाबू, कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा। 42 डिग्री सेल्सियस आप लोग समझ सकते हो कितना ज़्यादा गर्मी होगा, इसलिए इसका हालत ऐसा हो रहा है। गाइज फाइनली ये प्रॉपरली खाने लगा है और अब हम लोग निकलेंगे पटाक से घूमने, क्योंकि ये चेक करो सामने कौन है, शिवम सिंह राजपूत। गाइज फोकस करो इस पर, आई लव यू टू मेरी जनता, लव यू टू बोल दो। तो गाइज फाइनली हम चौपाती आ चुके हैं, यहाँ पहुँच के इतना ज़्यादा मस्त वाली फीलिंग आ रही है ना, बट जिस तरह से एक्सपेक्ट करा था ना कि पूरा भीड़ वगैरह होगा वैसा कुछ तो है नहीं। फिलहाल में यही दो लोग हैं, एक ये है और एक हमारे भाई रहे, दोनों लोग साथ में आए हुए हैं और अभी चलते हैं उस साइड में और दिखाते हैं उस साइड का आप लोग का व्यू। वैसे सस्ता मरीन ड्राइव तो आप लोग देखे ही थे, फिलहाल चलते हैं। चलो क्या बोल रहे हो, बोलो कुछ ना, तुम बोल दो, चलिए उधर घूम के आते हैं सस्ता मरीन। चलिए बहुत अच्छा अच्छा सब है, क्या दादू वो है आपको बढ़िया बढ़िया। इंस्टाग्राम की छपड़ी आज भी दिख गई है, उगाई हुई थी देखे उसको बना रही थी वही वॉकिंग वॉकिंग वाला रील सब, क्या ही कर सकते हैं, टट्टी है कहीं भी फिर देता है सब। खास करके इंस्टाग्राम का तावर बोल वाला है, चलो उधर दिखाते हैं, एक दो और भी लिया जाएगा है ना भाई, जी, जी, मिल जाएगा। हाँ जी, तो जिंदगी में थोड़े बहुत पाप करने के बाद ना पुण्य भी कमाना चाहिए। हेलो, खास करके जब आप यंग एज में हो उस टाइम पे इतना ज्यादा पाप होता है, इस पाप का सही जो मायने है ना एक लड़का बता सकता है। आजकल खूब पाप कर रहे हैं, पूरा इंस्टाग्राम पाप से घिनैले है। बोलो कुछ, आप तो तुम शांत रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। हम तो खैर है पापी, हम पाप कर रहे हैं बस, तो गाइस मेरा पाप अकेले में होता है, इसका पाप यूनिवर्सल चल रहा है, पूरा एकदम धांगले है, देख देख के आंख में जलन हो रहा है कि भाई कर क्या रहा है। ये भी बता दीजिए कौन सा मंदिर है, कहां का मंदिर है? हाँ बताओ, पूरा बहुत अच्छा मंदिर है गाइस, चेक कर सकते हो आप लोग, देखो कितना लंबा ऊंचा मंदिर है, नौलखा मंदिर है, बाबा हरिनाथ नौलखा मंदिर है। यहाँ पे हम लोग आए हैं थोड़ा सा पुण्य कमाने, पाप बहुत हो गया। तो यहाँ पे देखो भाई हमारे विष्णु भगवान सामने, और उसके बाद इधर का ना पूरा इतना ज़्यादा अच्छा यहाँ का माहौल होता है। वैसे तो इधर शादी वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जितना भी सोनपुर में हरिनाथ में शादी होता है ना, ज़्यादातर शादी यहीं पे इसी मंदिर में होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेस काफ़ी लंबा चौड़ा है, देख सकते हो। क्या मन है सुनो ना भाई, तुम्हारा टिकवा दे क्या यहीं पे, टिकवा दें? हम ऐसे ही ठीक है, मंदिर में आए हैं यहीं पे टिका जाएगा, हो जाएगा काम ना टिकवाने के लिए। आप अब लेके आते तो हम टिकवा भी लेते हैं, हम लेके आएंगे टिकवा आएगा, तू ही देखो देखा है। चलते हैं थोड़ा सा प्रभु के दर्शन करते हैं। ये रहा केक सामने हम लोग का, थम्स अप। तीन आदमी मस्त खाओ पियो चिल करो, जिंदगी में तीन आदमी हमेशा रहना चाहिए। गांधी जी का भी तीने को बंदर था, ये थोड़ा सा बंदर की लैंग्वेज ना है, कोई आई मीन आंख वाला है कि कान वाला है कि पोछी वाला है, समझ देखो यू बताओ ना, आंधा है ना लैंग्वेज है। यहाँ कान बंद कर दो बस और कुछ नहीं, काम कर दे। इसका पीछे रीजन है भाई, सही में मजाक नहीं कर रहा है, बताते हैं रीजन क्या है। गाइस देखो जब भी अपना गांव द्वार में जब ब्लॉग करोगे ना, मतलब ऐसा काम करोगे थोड़ा सा, मतलब दुनिया के नजर से हटके वाला काम है, अलग ही काम है, तो लोग ऐसा बात बोलेगा ना कि भाई क्या कर रहा है फलाना, तो ऐसा चीज के लिए चुपचाप काम बंद कर लो, कान बंद करो
हाथ में केक लो खाओ, गद्दारी हो गया, गद्दारी हो गया। हम अभी बताइए रहते तब तो ले फाड़ दिया, गद्दारी हो गया। कोई बात नहीं, देखो मतलब बेसिकली कहना ही चाहते हैं ना कि कान बंद करो, अपना काम करते रहो। अभी शाम के टाइम में आ गए, अब यहाँ पे आएंगे घूमने आएंगे तो खाना जरूरी है ना भाई, तो लो फिर आप लोग भी खा लो। चलो मस्त करो। इसी ने हमारे सोनपुर में नया आ गया है, देखो भाई मेरा अभी गाना गाएगा एक, देख कितना अच्छा लग रहा है, गाओ भाई गाओ। चलिए किसी के टैलेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए गाइस। बहुत ही अच्छी नया नया एड हो रहा है हमारे सोनपुर के चौपाती में, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा एंटरटेन कराएगा। एंड इस जैसी चीजें ना आपको यहाँ पर खींच के लाने का ना एक अलग टाइप का मैग्नेट इसके अंदर आ जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत घूम लिया, आ जाओ चलो घर चलो, माल बुला रही है। बहुत मजा आया गाना सुन के, है ना भाई, तुमको भी मजा आया ना? एकदम झकास धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, फील तो ईश्वर की चल के आ रही एकदम धीरे धीरे से सुकून। वाह, तो चलिए फाइनली इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, हम चलते हैं घर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ बी हेल्दी।